नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ मनोज प्रजापत। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लियर डबल ए एंड एस एस आर एग्जामिनेशन। देखिए, अब आपके पास मुश्किल से 20 to 25 days बाकी हैं, मुश्किल से इतने ही मान लीजिए, क्योंकि अभी तक इंडियन नेवी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है एडमिट कार्ड को लेकर। तो आपको तो यही सोचना है कि हमारे पास 20 से 25 दिन है, उसको लेकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। 25 डेज के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। और लिंक आपको अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आपने फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैंने आपके लिए नेवी डबल ए और एसएसआर के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, और उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल वाइज बताऊँगा, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं इंग्लिश के लिए, कि आपको इंग्लिश के लिए अब क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश का सिलेबस आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन तो मिलते हैं वोकेबलरी से। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? वोकेबलरी से 8 क्वेश्चन। और 5 नंबर का एक आपको मिलता है पैसेज, कितने हो गए टोटल? 13 क्वेश्चन। और करीब 10 के करीब आपको ग्रामर सेक्शन से मिलते हैं, और 2 क्वेश्चन आपको और मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपको किस तरह से इनके अंदर स्कोर करना चाहिए, मैं बात करूं, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नरेशन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत इजी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं पूरी तरह से, इंग्लिश के ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्के आपको कर लेने हैं, और जहाँ भी आपको मिले इनके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बात करूँ वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी तो देखिए भैया, खुद को आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बाकी लास्ट टाइम में मैं आपको वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपके पास अब जो भी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए और उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 3 क्वेश्चन आपके आते हैं कॉमन एरर से, वो मैं बता दूं कौन कौन से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके टेंस से, किससे आता है? टेंस से। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कंजक्शन से। ठीक है, एक टेंस से आ जाता है, दूसरा कंजक्शन से आ जाता है, और जो तीसरा आता है वो या तो आपका आर्टिकल से हो सकता है, और या हो सकता है आपका वो वर्ब और एडवर्ब, इनमें से किसी एक टॉपिक से वो आपका हो सकता है। तो ये टॉपिक आपको इसी हिसाब से पढ़ने हैं। अब मैं बात करूँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो 3 क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको 3 क्वेश्चन हैं जो वो मिलेंगे प्रीपोजिशन के, और प्रीपोजिशन के जब 3 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 2 क्वेश्चन होंगे आपके किसके? फिक्स प्रीपोजिशन के। किसके होंगे? फिक्स प्रीपोजिशन के। और एक क्वेश्चन आपको विदाउट फिक्स प्रीपोजिशन मिल सकता है। एक क्वेश्चन आएगा वो आपका आर्टिकल का, आर्टिकल का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, और आर्टिकल के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पैसेज आपको कोई भी दिया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ज़्यादातर यही कंप्यूटर पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से होती है आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इसमें मैं वोकेबलरी की बात करूं तो वोकेबलरी से आपके 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम से, और एक क्वेश्चन मिलता है आपको किससे? एक मिलता है आपको प्रोवर्ब से। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी मिलती है, और ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके इजी आते हैं, बाकी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थोड़े से आपको टफ देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं आपकी फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स का आपको किस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा और क्या क्या क्वेश्चन आपके इसके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो फिजिक्स के जैसे मैं बात करूं तो 22 के समथिंग, 20 के आसपास फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे बाकी क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो देखिए 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे
स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब कि उनके मध्य डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे कि ये केमिस्ट्री से हैं या फिजिक्स के। मैं बात करूं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री यानी आपके जिसमें फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी दोनों ही कवर्ड किए जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे कि ये आपके केमिस्ट्री से दिए हैं, फिजिक्स से नहीं है। तो आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स से। अब फिजिक्स का आपको किस तरह से तैयार करनी है, तो फिजिक्स की मैंने लूसेंट के प्रैक्टिस सेट है, उसके लूसेंट प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वहां से एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। लूसेंट के प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 50 से 60 रुपए के प्रैक्टिस सेट सबसे सस्ते वो ही आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी फिजिक्स में कि क्या टॉपिक, तो देखिए मैं बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बट टॉपिक देखिए आपके ज़्यादा जो शुरुआत के तीन चैप्टर होते हैं जिनमें मैं बात करूं मैकेनिक्स के, तो उनमें से डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल और एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और इसी तरह से आपके 7 से 8 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 10 तक हो सकते हैं न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इतने ही होते हैं। फिजिक्स का मैं बात करूं तो नेवी डबल SSR के अंदर थोड़ा सा हार्ड एग्जाम जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाले होते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनमें से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा टफ होता है नेवी डबल SSR का फिजिक्स। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, जो हमारा मेन टॉपिक है, मैथमेटिक्स को आपको किस तरह से कवर करना होगा। तो देखिए मैथ्स का आपको, अब आपके पास जितना भी टाइम है, रोज आपको एक टॉपिक क्लियर करना होगा। मैं आपके लिए जल्द ही टॉप 500 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, सॉरी मैथमेटिक्स के लिए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 500 क्वेश्चन की सीरीज, 500 क्वेश्चन जब मैं आपको मैथमेटिक्स के करा दूंगा तो वहाँ पर मैं 100% आपसे गारंटी ले सकता हूँ, यदि आप उन 500 क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो आप 99% आप 1% तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि हो सकता है कोई रीज़न, 99% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे यदि आप उन 500 क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। उनके लिए मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कंप्लीट वीडियोस हैं वो देखने होंगे, एक दो दिन में आपके लिए वो हम स्टार्ट कर देंगे। मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा नहीं, आपको 15 नंबर का स्कोर करना होगा। मान लीजिए आप 15-15 चारों सब्जेक्ट के अंदर करते हैं तो 15-15 60 हो जाता है, और नेवी डबल ए और SSR की मेरिट है, कभी 50 से ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब मैं बात करूं जीके के लिए, तो जीके को आपको कैसे पढ़ना है, क्या जीके के अंदर आता है, तो जीके में बात कर लेते हैं हम, 8 से 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते हैं, और इस रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल स्कोरिंग पार्ट होता है, यानी कि पासिंग मार्क्स तो आप यहीं से ला सकते हैं, और रीजनिंग आपके लिए रेगुलर एक वीडियो, आपको रोज़ दो वीडियो, एक वीडियो जरूर मिल रही है, तो आप उसे जरूर देखा करें, और बेशक उस पर जो आपको थंबनेल पर टाइटल है वो कोस्ट गार्ड का मिले, लेकिन रीजनिंग सभी एग्जाम्स के अंदर सेम आती है, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जीके और इसके अंदर करंट जीके, तो करंट जीके के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको नॉर्मली यहाँ से मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करंट के, और इसमें 10 क्वेश्चन में जीके के मैं बता दूँ आपको 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के, 2 क्वेश्चन कैपिटल और करेंसी के, ठीक है, वो इनमें भी सेट हो सकते हैं और इनमें भी हो सकते हैं। करंट के मान लीजिए आप 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, और वो करंट मैं आपको करंट के वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस तरह से आपको करना होगा। अब आप कितना कितना स्कोर कर सकते हैं, तो मैं बात करूं सबसे पहले इंग्लिश में, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 15+ इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं, यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको पासिंग मार्क्स यानी 10+ तो करना ही करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बहुत कम स्टूडेंट्स स्कोर कर पाएंगे, आप इसमें ऐसा सोच लीजिए कि आपको इसमें क्या करना होगा, 10+ ही मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि इसमें आप पासिंग मार्क्स ही मान लीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते, और इसके अंदर यदि मैथ इंग्लिश आपकी अच्छी तो आप 20 तक खूब स्टूडेंट्स के आप इजीली 20 तक स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इजीली आप 20 का स्कोर कर सकते हैं, यदि आप थोड़े कम आपकी वीक है मैथ तो 15 तक आप स्कोर कर सकते हैं। जीके की मैं बात करूं तो जीके में भी आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आपने कम पढ़ा तो 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए बात करूं 10 क्वेश्चन इसके अंदर, 15 क्वेश्चन इसके अंदर, और 15 आपको इसके अंदर करने होंगे यदि आपको फाइनल तक जाना है, 10 मान लीजिए और 15 इसके अंदर मान लीजिए, 15 और 15 30,
30 और 20 50, यदि आप 50 का स्कोर भी कर लेते हैं तो आपके SSR और AA दोनों क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा यदि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है SSR, तो 45 तक आपका स्कोर हो सकता है। तो इतना स्कोर आपको एग्ज़ाम में करना है। इसी तरह से आपको प्रिपरेशन यदि आप करेंगे तो ईजिली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी को अपनाना है और पूरा आपको कंप्लीट इसी तरह से प्रोसेस अपनी जारी रखनी है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।